दोस्तों एक सनसनीखेज खबर गुजरात से आ रही है। गुजरात मॉडल के इस नंगे रूप को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल सीबीआई के दो उच्च पदस्थ अधिकारियों आलोक वर्मा और राकेश अस्थाना के बीच शीत युद्ध चरम पर पहुंचने के बाद यह बात सामने आई है कि सूरत में अस्थाना ने पुलिस वेलफेयर के 20 करोड़ रुपए चुनावी फंड में दिए थे। सूरत के रिटायर्ड पीएसआई ने 23 अक्टूबर को सीबीआई को किए चौंकाने वाले ईमेल में बताया है कि अस्थाना ने पुलिस के वेलफेयर फंड से 20 करोड़ रुपए भाजपा को चुनावी चंदे के रूप में दिए थे। सूरत पुलिस के अकाउंट में सन 2013 से 2015 के दौरान वे रुपए वापस नहीं आए थे। उस समय नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सूरत शहर के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना का यह सबसे बड़ा घपला था। वहीं इस बीच एक और सनसनीखेज खबर आ रही है। पुलिस वेलफेयर के 20 करोड़ के ट्रांसफर के मामले में आयकर विभाग ने टीडीएस के भुगतान का नोटिस दिया था। इसके बाद कार्यालय से पुलिस वेलफेयर फंड के कागजात ही गुम हो गए। इसकी सूचना क्राइम ब्रांच में भी दी गई। ऑडिट विभाग की जानकारी में भी यह मामला आया। वहीं शहर के आरटीआई एक्टिविस्ट शेख मोहम्मद सोहेल मोहम्मद अमीन ने बताया कि इस संबंध में हमने 2015 में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी थी, पर हमें यह जानकारी नहीं दी गई।